हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इससे जो हमारा जो पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमारे जो मोल्स थे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के हमने क्या लिए थे, सेम 111। बट अब हम लेंगे डिफरेंट मोल्स। फॉर एग्जांपल, ए गिव्स 2B + C। ए का मोल 1 है, बी के मोल 2 है, सी का मोल 1 है। बात यह है कि फॉर्मूला सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सुनो, हमने क्या किया था, टाइम जीरो लिया था। उस टाइम पे इनिशियल प्रेशर क्या लिया था, पी नॉट, और यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई भी प्रेशर नहीं था। अब हम बात करते हैं एट टाइम टी, कोई भी टाइम ले सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आपका जो मन करे या जो इंटरवल दे रखा हो। उस टाइम पे हमने क्या माना कि इसमें से एक्स प्रेशर चला गया और वो इसमें कन्वर्ट हो गया बी में। बट आगे 2 है, 2x आएगा, इसके आगे 1 है, x ही रहेगा। ओके, ये है डिफरेंट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। चलो अब हम बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारी इक्वेशन थी, के इक्वल्स टू 2.303 / T log व्हाट ए नॉट बाय ए, रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो बच गई है। अब यहां पे अगर हम ये यूज करें तो क्या आ गया है, के इक्वल्स टू 2.303, प्रेशर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, टी लोग। अब इनिशियल प्रेशर यहां पे जो लेंगे वो लेंगे पी नॉट, है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन थी, ये प्रेशर है पी नॉट। उसके बाद फाइनल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे प्रेशर कितना बचा हुआ है वो पी नॉट माइनस एक्स, ये हमने पुटअप कर दिया है। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो है हमारा ये ए बी और सी किसी एक कंटेनर में है और यहाँ पे एक प्रेशर है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर, जिसमें कुछ ए का है, कुछ बी का है, कुछ सी का है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम केवल ए के प्रेशर की बात कर रहे हैं जो बचा हुआ है, वहाँ पे हम टोटल की बात कर रहे हैं, ए का भी, बी का भी और सी का भी। अगर आपको पी टोटल निकालना है, अगर आपको पी टोटल निकालना है तो आपको ए का प्रेशर भी लेना होगा। यहाँ पे क्या है, पी नॉट माइनस एक्स, बी का कितना है 2x, सी का कितना है x। आई होप समझ में आया होगा। टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, ए का प्रेशर, बी का प्रेशर और सी का प्रेशर। ओके, कब, एट टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर, क्योंकि इनिशियली तो क्या है, पी नोट है, केवल ए का प्रेशर है, बी और सी तो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। अब हम क्या देखते हैं, एक्स से एक्स यहां पे कट गया हमारा, देन क्या हुआ हमारा, हम इसको इधर ले लेते हैं, पी टी माइनस पी नोट इक्वल्स टू 2x। यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन x इक्वल्स टू पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू को हम यहां पे पुटअप करते हैं, देन क्या हो गया है, k इक्वल्स टू 2.303 / T log p नॉट, और यहां पे आ जाएगा पी नॉट माइनस, एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे ये वाली, पी टी माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है। यहाँ पे क्या था हमारा, हम बात करते हैं, यहाँ पॉजिटिव था तो हमारा नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ गया होगा, पी नॉट डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे 2 है। अब हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 2.303 / T log, ये हो गया 2p0 यहाँ पे, ओके 2p0 माइनस pt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा p0, और इसके नीचे क्या है 2। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, एक काम करते हैं, 2 को हम ऊपर ले लेते हैं। चलो अब 2 को हम ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, k इक्वल्स टू 2.303 / T log 2, ऊपर गया हमारा तो हो गया 2p0, नीचे हम देखते हैं 2p0 और p0, ये हो गया है 3p0 माइनस pt, ये हमारा फॉर्मूला आया है। अगर हमारे मोल्स क्या हो, डिफरेंट हो, ये आपको फॉर्मूला
फॉलो करना है बट। अब यहाँ पे क्या है, आपके प्रोडक्ट के मोल क्या थे, टू बी के लिए, और सी के लिए क्या था, वन। अब मे बी वो थ्री फोर या कुछ और भी हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप सबके लिए सोल्व कर पाएंगे। ओके, अगर आपके दो प्रोडक्ट हैं तब। चलो तो क्या रहेगा, के इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग, ऊपर आप लेंगे एम प्लस एन माइनस वन पी नॉट, और नीचे आप लेंगे एम प्लस एन पी नॉट माइनस पी टी। ओके, या आप आइडिया लगा भी सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो क्या आएगा 3, अगर ऊपर 3 है तो नीचे क्या आएगा 4। ओके, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और कोई भी इक्वेशन आपकी अगर होगी तो उसके लिए आप प्रेशर की फॉर्म में आप इसको यूज़ कर पाएंगे और आपका आंसर सही आएगा। ओके, थैंक यू।